नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। दक्षिण एशिया में तेजी से फैल रहे रोग को काबू करने के लिए बांग्लादेश ने भी $1.5 बिलियन के योगदान का ऐलान कर दिया है। यह राहत कोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सार्क देशों ने बनाया है। अभी तक इस कोष में भारत के $1 करोड़ के अतिरिक्त भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और नेपाल भी अपनी अपनी तरफ से योगदान दे चुके हैं, जबकि आजकल में श्रीलंका की तरफ से भी घोषणा होने वाली है। परंतु सार्क सदस्य पाकिस्तान इसमें फंड देने की बजाय इस उम्मीद में है कि उसे फंड से कितनी भीख मिल पाती है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के नीतिकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान को इसमें जरूर फंड देना चाहिए। मजे की बात यह है कि खुद को भारत से बड़ा दिखाने के चक्कर में यह नीतिकार $10 बिलियन से ज्यादा देने की बात कर रहे हैं। पर इमरान की दिक्कत यह है कि उनके तबेले की भैंसे दूध से ज्यादा गोबर निकाल रही है। ऐसे में $10 बिलियन की बात तो छोड़िए, 10 किलो अनाज भी इस देश में मिलना मुश्किल हो रहा है। इमरान खान खुद मुंडी उठाए उन संस्थाओं की तरफ देख रहे हैं जो गरीब देशों को भीख दिया करती है। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुल्क है जो अमीर देशों और दानदाता संगठनों के दरवाजे खटखटाता हुआ घूम रहा है। ऐसे में यह उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान आपदा राहत कोष में कोई सहायता दे पाएगा। यूं भी लगभग सार्क के सभी देश इसमें अपना योगदान दे चुके हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान ही इसमें पीछे खिसक रहे हैं। गौरतलब है कि ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक 13,900 से अधिक मौतें हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। बड़ी बात यह है कि सार्क के सदस्य देशों में पाकिस्तान में यह रोग बुरी तरह फैल चुका है। पाकिस्तान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1,000 को पार करने वाला है। यहां 5 व्यक्ति हुरों की तलाश में प्रस्थान कर चुके हैं, जबकि इमरान खान लोगों को सेल्फ क्वारंटीन की नसीहत दे रहे हैं। कभी नए पाकिस्तान के ढपड़े बजाने वाला लीडर आज अपनी ही पोल खोल रहा है कि पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है जो लॉकडाउन लगाकर पूरे देश को घर पर खाना खिला सके। इमरान का कहना है कि भारत के लिए यह करना आसान है, लेकिन पाक की अर्थव्यवस्था नाजुक हालत में है। लॉकडाउन की स्थिति में देश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि अगर भूख से बच गया तो यह वायरस इन्हें खुदागंज पहुंचा देगा, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होने की स्थिति में वायरस की चेन नहीं टूट पाएगी और वह एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता चला जाएगा। मजे की बात यह है कि कल पूरे पाकिस्तान की निगाह भारत में जनता कर्फ्यू पर टिकी रही। भारत की मोदी सरकार के प्रयासों को देखकर सारे तहमंदबाज इमरान खान को कोसते दिखाई दिए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पाकिस्तान में यह तो बस शुरुआत है। अगर पाकिस्तान में इसी तरह से वायरस का प्रसार होता रहा तो इस साल मई महीने तक 2 करोड़ लोग वायरस से संक्रमित हो जाएंगे और अगस्त 2020 तक लगभग 98% पाकिस्तान इसकी चपेट में आ जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद खड़ी कर देगा। पर मामला यहां तक नहीं है। वैश्विक संकट की इस घड़ी में दुनिया भर में फंसे करीब 1.5 लाख पाकिस्तानी स्वदेश वापस आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। इसका खुलासा भी खुद इमरान खान ने ही किया है, यानी यह वही मान वाला देश है जिसने अपने ही नागरिकों को मजदार में छोड़ दिया है, जबकि इस वक्त मोदी सरकार लगभग हर देश से अपने नागरिकों को स्वदेश ला चुकी है, यह जानते हुए भी कि उनमें कई लोग वायरस इंफेक्टेड हो सकते हैं, मगर मोदी सरकार इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार से मदद की गुहार करने वाले ये वही तहमंदबाज हैं जो हर साल करीब $22 अरब पाकिस्तान भेजते हैं, पर इमरान खान अब उनसे किनारा कर चुके हैं। इससे पहले इस लीडर ने चीन से पाकिस्तानी छात्रों को निकालने से भी इंकार कर दिया था। खास बात यह है कि इमरान खान मदरसा जमात को उल्लू बना रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी में यह वायरस खत्म हो जाएगा, जबकि WHO और वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक इस वायरस पर गर्म या शुष्क मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। दिसंबर में सर्दी के मौसम में इस वायरस का संक्रमण फैला था, मगर दुनिया के गर्म और ठंडे देशों में इसका प्रसार कम होने की बजाय दुगनी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के ढोल और तबले बजना तय है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।